से आपके एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 16 सिद्ध करना है। ये दोनों पक्ष कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। इधर वाले पक्ष को तो बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कौन सा पक्ष? दाया पक्ष। इधर वाले को बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। अब देखो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको हल करेंगे। सबसे पहले बताओ, सबसे पहले लेंगे हम LHS। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। इन दोनों को बराबर लेना है, हमें बराबर आना चाहिए। अब सारणी में देखेंगे इनके मान। बताओ बेटा साइन 60 का मान, सारणी में साइन इसका मान होता है अंडर रूट 3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 सारणी से बटा। अब देखो इनका मान, साइन 60 का मान रूट 3/2 माइनस साइन 30 का मान 1/2। अब हल करेंगे, पहले ऊपर वाला हल करेंगे फिर बाद में नीचे वाला। बताओ यहाँ दो संख्या भिन्न में क्या लेंगे? 10 कितना आएगा? 2 आएगा। अगर दोनों नीचे सेम है ऊपर भी कैसा आएगा? मतलब क्या आएगा? रूट 3+1। अब ये बटे वाली लाइन, ये वाली, यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा? बताओ क्या आएगा? नीचे दोनों सेम, ऊपर भी दोनों सेम, माइनस 3 और 1 मतलब रूट 3 माइनस 1। यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल। बताओ ऊपर क्या बचा? रूट 3 प्लस 1। नीचे क्या बचा? रूट 3 माइनस 1। कम्प्लीट। अब इसको करेंगे, इसमें इसमें जो ये आया उसमें भी वही आना चाहिए, मतलब उधर भी उत्तर कितना आना चाहिए? रूट 3+1/√3-1 ही आना चाहिए। अब सारणी से वहाँ भी मान रखेंगे। बताओ यहाँ, अब ये तो कौन सा पक्ष है? LHS। ये कौन सा है? RHS। अब लेंगे हम RHS, राइट हैंड साइड। पहले आपके 10/60 डिग्री प्लस 10/45 डिग्री डिवाइडेड बाय 10/60 डिग्री माइनस 10/45 डिग्री। बताओ मान रखो, 10/60 का मान कितना? रूट का 10 प्लस 10/45 का 1, ये बटा 10/60 का मान वही कितना? रूट 3 और ये माइनस का माइनस 10/45 का मान बराबर। इधर भी ये और उधर भी हो गया सिद्ध। क्या लिखेंगे? LHS बराबर RHS, इति सिद्धम। देखो ये आपके क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे भी आपको दो पक्ष दिए हुए हैं, एक तो बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। पहले हम दायां पक्ष लेंगे, इसको सबको हल करेंगे तो उत्तर कितना आना चाहिए? 6। अगर 6 आ गया तो अपना उत्तर सही है। अब बताओ, पहले लेंगे LHS, LHS आगे वाला हिस्सा LHS और पीछे वाला हिस्सा RHS। ये लो पहले क्या लिखोगे? 2 cos² 45 + 10² 60 - 6। फिर आएगा sin² 45 - 10² 30। बस मान रखेंगे सारणी से। बताओ 2 का तो 2। बताओ 10/45 का मान, cos 45 का मान कितना? cos 45 का मान 1/√2। इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर भी क्या लगेगा? स्क्वायर। प्लस का प्लस 10/60 का मान √3। इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर। स्क्वायर माइनस यहाँ कितना? 6। ये कोष्टक। बताओ साइन 45 का मान 1/√2। 1/√2 और इसका क्या लगेगा? स्क्वायर माइनस। अब यहाँ देखो 10/30 का मान 1/√3। उसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर। स्क्वायर। अब हल करेंगे। देखो सबसे पहले हल होता है छोटा कोष्टक,
कौन सा? छोटा। अंदर वाला कोष्टकल करेंगे हम सबसे पहले। दो का तो दो। आप देखो एक का स्क्वायर कितना हो गया? एक। बताओ बेटा दो का ये इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, केवल क्या बचेगा? दो। स्क्वायर से रूट कट गया दो, अभी आ जाओ प्लस स्क्वायर से रूट कट गया क्या आया? तीन। अब यहाँ माइनस का छह। अब देखो यहाँ पे ए का स्क्वायर ए और इस स्क्वायर से रूट कट गया दो। यहाँ देखो माइनस का ए का स्क्वायर ए, इस स्क्वायर से रूट कट गया तीन। अब बताओ इसके बटे में एक लगा दे कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्या लेंगे? लसा लेंगे। कितना आएगा? दो। यहाँ लसा आएगा दो। यहाँ देखो दो का तो दो। अब बताओ लसा कितना आया? दो। दो का भाग दो में एक को एक से गुणा एक। एक का भाग दो में दो को तीन से गुणा छह। अब यहाँ देखो माइनस छह। अब देखो इधर भी यहाँ लसा लेंगे कितना आएगा? छह। दो का भाग छह में तीन बार, तीन को एक से गुणा तीन, माइनस तीन का भाग छह में दो को एक से गुणा दो। अब देखो यहाँ पे दो का तो दो, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, ठीक है। छह और एक कितना हो गया? सात बटा दो। माइनस का माइनस। बताओ छह का तो छह, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो इनटू। बताओ कितना? एक बटा छह। तीन में दो गया तो एक बटा छह। अब यहाँ ध्यान दो। अब देखो बेटा दो से तो दो, केवल क्या बचा? सात। छह से छह क्या बचा? सात में छह गया तो क्या लाना था? आ गया। क्या लिखेंगे? LHS बराबर RHS। इति सिद्धम। अबे आपके 18वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये दो बक्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आपको इन सबको हल करना है और आपका उत्तर कितना आना चाहिए? 10। तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले मान रखेंगे सारणी से कौन सा पक्ष लेंगे? LHS। सबसे पहले लेंगे LHS, देखो ये वाला कोष्टक सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कोष्टक बंद कोष्टक चालू, दो कोस 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री, इसको हल करना है और इसका उत्तर कितना आना चाहिए? 10। सबसे पहले सेक 30, बताओ सेक 30 का मान सारणी में कितना है? इसका मान है 2 बटा 3। इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी ऑल स्क्वायर, और बाहर कौन सा क्वेश्चन लग जाएगा? बड़ा लगाओ चाहे मझला लगाओ, बड़ा ही लगा लेते हैं। प्लस सेक 45 का, कोसेक 45 का मान कितना होता है? रूट दो, और इसका भी क्या है? स्क्वायर। कोष्टक बंद, दूसरा कोष्टक चालू, दो का तो दो। बताओ कोस 60 का मान एक बटा दो, एक बटा दो। साइन 90 का मान एक, टेन 45 का मान एक, ठीक है। अब पहले ये देखो, देखो बेटा दो का स्क्वायर कितना हो गया? चार। इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, नीचे कितना? तीन। प्लस इस स्क्वायर से रूट कैंसिल कितना? दो। और ये कोष्टक, और पीछे भी देखो दो से दो एक प्लस एक प्लस एक हो गया। अब यहाँ देखो बताओ क्या लेंगे? लसा लेंगे, बटे में एक लगा दो। बताओ लसा कितना आएगा? यहाँ से लसा आएगा तीन का भाग तीन में एक बार, एक को चार से गुणा, एक का भाग तीन में तीन को दो से गुणा छह। अब यहाँ कोष्टक यहाँ पे एक दो तीन कितने हो गए? तीन। छह और चार कितने हो गए? दस। बटा कितना? कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा कितना? तीन से तीन कितना बचा? क्या लाना था? LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ध्यान दो बेटा ये आपके क्वेश्चन नंबर 19। देखो
यहाँ ये आपके LHS है और वो आपके RHS, इसको हल करेंगे। कितना आना चाहिए? 7/4 आना चाहिए। पहले कौन सा पक्ष लेंगे? LHS। हम लेंगे LHS। देखो यहाँ पे कोष्ठक 1 - sin 45 + sin 30 कोष्ठक क्लोज कोष्ठक ओपन 1 + cos 45 + cos 60 डिग्री। अब रखेंगे मान सारणी से, पहले ध्यान दो, यहाँ से हम करेंगे कोष्ठक एक का तो एक माइनस बताओ साइन 45 का मान 1/√2 प्लस साइन 30 का मान 1/2। अब यहाँ देखो कोष्ठक एक का एक कोस 45 का मान 1/√2 1/√2 यहाँ 1/√2 प्लस कोस 60 का मान 1/√2। अब देखो जोड़ बाकी गुणाभाग तो होगा नहीं, क्या लेना पड़ेगा? इसके बटे में एक लगा सकते हैं और इसके बटे में भी एक लगा सकते हैं। बताओ बेटा लसा लेना पड़ेगा। अब यहाँ लसा क्या आएगा? 2√2 क्या आएगा? 2√2 लसा आएगा। देखो यहाँ पे लसा लेंगे हम, क्या आएगा? 2√2 एक का बार देंगे 2√2 में, कितनी बार जाएगा? 2√2 बार ही जाएगा। तो यहाँ क्या आया? 2√2 माइनस का माइनस। अब √2 का बार देंगे दोनों में, √2 से तो √2 कैंसिल, क्या बचा? दो किससे गुणा करेंगे? एक क्या आएगा? दो प्लस का प्लस। अब दो का भाग देंगे दोनों में, दो से दो कैंसिल, क्या बचा? √2 को एक से गुणा करेंगे √2 कोष्ठक। अब यहाँ देखो, अब यहाँ भी क्या आएगा? लस आएगा। बताओ लस क्या आएगा? दोनों, जैसे मान लो जैसे 1/3 1/3 + 1/7 ऐसा आ जाता था। लस हम कितना लेते थे? 21। 21 कब आया? 7 + 7 = 3 से गुणा करने पर। यहाँ भी ऐसे ही है, √2 किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो यहाँ पे भी क्या लस आएगा? 2√2 सबसे पहले ये एक का भाग दो 2√2 में, 2√2 बार जाएगा, 2√2 को एक से गुणा करेंगे तो 2√2 प्लस √2 का भाग दो दोनों में, √2 कैंसिल, क्या बचा? 2 को एक से गुणा करेंगे तो प्लस 2 का भाग दो दोनों में, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा? √2 को एक से गुणा करेंगे तो √2। आप देखो यहाँ पे आगे ध्यान देना, इधर बता बेटा 2√2 किसके? प्लस के। 2√2 1√2 किसका? प्लस का। तो दो देखो, दो 2√2 तो ये और 1√2 ये कितने हो गए? 3 हो गए ना। तो यहाँ क्या आएगा? 3√2 और माइनस का 2 बटा नीचे 2√2 यहाँ कोई चिन्ह है तो गुणा। अब यहाँ देखो 2√2 और 1√2 कितने हो गए? 3√2 यहाँ हो गए 3√2 और प्लस का कितना? 2 प्लस का 2 और बटे में 2√2। अब ऊपर वाला ऊपर वाले से गुणा और नीचे वाला नीचे वाले से। देखो ये दोनों सेम है, फर्क किसका है? चिन्ह का। यहाँ तो माइनस का चिन्ह है और यहाँ प्लस का, दोनों सेम है। बताओ सूत्र था a² - b² एक बार तो लिखते हैं प्लस में, एक बार लिखते हैं माइनस में। तो एक बार प्लस में लिखा हुआ है, एक बार माइनस में लिखा है, वापस किस में लिखेंगे? a² - b² a का मतलब तो कितना है? 3√2 का स्क्वायर माइनस b का मतलब कितना है? 2 का स्क्वायर। अब देखो इन दोनों गुणा करेंगे, बताया मैंने 2 को 2 से गुणा किया कितना गया? 4 √2 और 4 × 2 = 8 यहाँ एक बार देखो 2√2 किससे गुणा करेंगे? 2√2 से। अब देखो गुणा ध्यान से देखना, 2 को 2 से गुणा किया 4 * ये 4√2 4 × 2 = 8 कितना गया? 8 दोनों गुणा करने पर कितना गया? 8 आ गया।
कंप्लीट। अब आगे देखो, आप क्या करेंगे, ऊपर वाले को भी हल करेंगे। देखो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, इधर ऊपर वाले को भी हल करेंगे। देखो देखो, तीन का स्क्वायर तो कितना 9, तीन का स्क्वायर कितना 9, और इस स्क्वायर से रूट कर जाए केवल क्या बचेगा, है ना, माइनस का 2 का स्क्वायर 4 बटा कितना 8। अभी तो देखो आगे, 9 दुनी 18 माइनस 4 बटा कितना 8, बताओ 8 कितना बचा 14 बटा 8, इसमें 2 का भाग जाता है और इसमें 2 का भाग जाता है, क्या लाना था, LHS बराबर RHS। इति सिद्धम। 20वां क्वेश्चन है, ध्यान दो, यहाँ पे भी दो पक्ष दे रखे हैं, दोनों को हल करेंगे और दोनों का उत्तर कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ये भी हल होगा इसमें और वो वाला पक्ष भी हल होगा, दोनों को हल करेंगे। सबसे पहले लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड LHS, ये वाला LHS, बताओ बेटा cos क्या है, cos स्क्वायर 0 माइनस 2 cot स्क्वायर 30 प्लस 3 cos स्क्वायर नंबर डिग्री, मान रखेंगे सारणी के माध्यम से। बताओ cos 0 का मान कितना, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का तो 2 इंटू cot 30 का मान रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का 3 इंटू cos 1 90 का मान 1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले स्क्वायर हटाएंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस 2 का इंटू स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 प्लस 3 का इंटू 1 का स्क्वायर। अब करेंगे गुणा और लास्ट में करेंगे जोड़ बाकी, ठीक है ना। अब पहले 1 का तो 1, 3 दुनी 6 प्लस 3 एक 3, याद रहे अगर आपने 1 में से 2 घटा दिया तो आपका उत्तर गलत आ जाएगा। पहले आपको क्या करना है, गुणा, फिर करना है जोड़ और बाकी। अब बता बेटा 1 किसका, प्लस का, 3 किसके, प्लस के, तो 4 माइनस बताओ कितना बचा, माइनस का 2। अब उसको हल करेंगे, उधर भी कितना बचना चाहिए, माइनस का 2। अब देखो यहाँ पे RHS, RHS राइट हैंड साइड क्या है, 2 6 स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60। अब देखो 2 का तो 2, 6 45 का मान रूट 2 कितना होता है, रूट 2 का स्क्वायर माइनस 10 45 का मान रूट 3, यहाँ हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर और ये कोष्ठक बन। देखो 2 का तो 2, सबसे पहले हटाएंगे कोष्ठक, इस स्क्वायर से रूट क्या बचा, इस स्क्वायर से रूट माइनस का 3, 2 का तो 2, बताओ 2 में से 3 गया तो किसका, माइनस का 1, माइनस को 1 को गुणा करेंगे तो LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।